महादेव बाबा के भक्त हैं उनके लिए बड़ी ही खुशखबरी है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। ये व्रत भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष में कई करी गई पूजा बड़ी ही लाभकारी होती है। इस बार 17 अगस्त 2024 को यानी शनिवार को शनि प्रदोष व्रत है। इस दिन भगवान शंकर की शिव की पूजा बड़े ही मन से करें, क्योंकि श्रावण मास भी हो रहा है। प्रदोष व्रत पर पूजा कैसे करें और जिस दिन उपाय कैसे करें, क्या उपाय करने से भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, तो जानते हैं इस वीडियो में आगे। ऐसे करें व्रत एवं पूजा कैसे करें। प्रदोष व्रत के दिन सुबह ही स्नान करें। स्नान के बाद में शंकर बाबा का, शंकर भोले का, पार्वती मैया के साथ में ध्यान करें। नंदी जी को एवं भोले बाबा को एवं मंदिर में जो भी मूर्तियां होती हैं उनमें सबसे पहले श्री गणेश जी का नाम लेके भगवान भोले पर गंगा जल या पंचामृत या पानी फूल पत्ता ने भेद दिया, आंकड़े का पुष्प या धतूरे का फल फूल जो भी मिल जाए आपको, बेल पत्ते या दुर्वा, इन सब से भगवान का पूजन करें। लेकिन गणेश जी पे पहले दुर्वा चढ़ाएं, जल चढ़ाएं एवं भोले बाबा पर जो कुछ आप पर मिल जाए, फूल पत्ता चावल दाल गेहूँ जो भोले बाबा पर वो सब चढ़ा दें पूरे भाव से। महिलाएं नमः शिवाय मन ही मन गाएं, पुरुष ओम ओम गाएं मन ही मन ओम नमः शिवाय एवं ओम का उच्चारण करें, क्योंकि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे। भैया ये भोले बाबा की बड़ी ही महिमा है। भोले बाबा पर जल से स्नान कराएं, इसके बाद में बेलपत्ता गंध चावल फूल दीप में नैवेद्य यानी भोग जो भी आपने घर से बनाई है, खीर पूड़ी आदि सबका पूजा करने के बाद में भोग लगाएं। भोग लगाने से पहले 5 मंत्र बोलते हैं, 5 मंत्र नहीं आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भोग लगाने का मंत्र है ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा प्याना स्वाहा मुदाना स्वाहा समानाय स्वाहा पानी छिड़कते मध्य मध्य जलम समर्पयामि बोलते हैं। इसके बाद में जो भी आप भोग रख रहे हुए हो उसके बाद में एक पान चढ़ा दें भोले बाबा को, मीठा पान हो तो और अच्छा है। पूरे दिन निराहार रह सकते हो तो ठीक है, नहीं है तो एक टाइम फलाहार कर लो, और एक टाइम में तुम्हारा तो काम नहीं चल रहा तो 2 टाइम फलाहार कर लो, शिव जी की शिव परिवार सहित तो पूजा कर लो। इस तरह बढ़िया पूजा पाठ करने के बाद में बढ़िया भोले बाबा की आरती करें, उसमें गुरु मंत्र हो तो गुरु मंत्र का भी जाप करें। भगवान शिव जी को घी और शक्कर से मिले सत्तू का भोग भी लगा सकते हैं। 10 दीपक लगा दें 10 दिशाओं में, 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं, और 2 सकरी तो 10 दिशाओं में हो जाती हैं। वैसे 8 दीपक लगा दोगे तो और बढ़िया है, कम से कम 8 तो लगा ही दें। भगवान शिव जी की आरती करें, भगवान को प्रसाद चढ़ाएं, उसी से अपना व्रत भी तोड़ें। और पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी की बुराई नहीं करना है, गलती से भी किसी गाय में नंदी में डंडा नहीं मारना है, क्योंकि आपकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान नंदी के रूप में भी आपके दरवाजे पर आ सकते हैं। भगवान कण कण में है, हर क्षण में है, देवाधिदेव महादेव वही महाकाल है, अन्नपूर्णा के स्वामी देवाधिदेव महाकाल है। महाकाल कालों के काल देवाधिदेव भोले, पूजा स्वीकार करो हमको उपकार करो, रूखा सूखा जो भी लाया भोले बाबा स्वीकार करो, अपने दास पर उपकार करो। हे चंद्रमौली चंद्रशेखर दिगंबर भोले बाबा महेश्वर, नामे योगी नामे जोगी मैं हूँ ग्रस्त तेरे नाम का भोगी,
करद कृपा हो चंद्रशेखर नीलकंठ उमापति देवादिदेव महादेवा सुन लो अर्ज हमारी। या मन से जो भी आपको गाना आए या जो भी भजन आए वो गा देना, अपने मन से जो भी है गा देना। जरूरी नहीं है कि किसी के पड़े हुए भजनों को ही गाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में जो भी भजन आए आप नया बना के गा दो, क्योंकि भोले बाबा भवाव के मुख्य हैं, इसीलिए उनको आशुतोष कहते हैं, नीलकंठ हैं। भोले बाबा सबसे अच्छे हैं, सबसे प्यारे हैं। वीडियो आपने देखी है, इसलिए आपको महाकाल के दर्शन कराते हैं। जब बाबा भोलेनाथ जय महाकाल। वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय दीवाली।